इस क्वेश्चन में कहा गया है लिमिट एक्स टेंड्स टू पावर टू द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, यू हैव टू फाइंड द करेक्ट चॉइस। यदि मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली यहीं से शुरू कर दूंगा तो कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। पहले मैं कुछ एक अरेंजमेंट कर लेता हूं, उससे मेरी कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगी। पहला अरेंजमेंट तो ये हुआ कि पूरे क्वेश्चन में साइन एक्स इजिली लाया जा सकता है, इसको साइन स्क्वेयर एक्स और कॉस स्क्वेयर एक्स को वन माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, और बाकी जगह तो साइन एक्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। और क्योंकि क्वेश्चन में सब जगह साइन एक्स होगा तो मैं साइन एक्स को टी मान लूंगा तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो सबसे पहले लेट साइन एक्स इक्वल टू टी एंड द क्वेश्चन विल बिकम लिमिट टी टेंड्स टू वन टी स्क्वेयर अपॉन वन माइनस टी स्क्वेयर अंडर रूट टू टी स्क्वेयर प्लस थ्री टी प्लस फोर माइनस अंडर रूट टी स्क्वेयर प्लस सिक्स टी प्लस टू। और अब मैं एक कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहा हूं, वो ये है कि क्वेश्चन के एक पार्ट के मैं लिमिट ले सकता हूं, लेकिन केवल तब यदि वो वाला पार्ट बाकी पूरे क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में हो और उस पार्ट की लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट हो। जैसा कि एज टी टर्न्स वन इसकी लिमिट वन है तो मैं अकेले इसकी लिमिट ले सकता हूं, इसकी लिमिट वन है लेकिन मैं अकेले इसकी लिमिट मैं नहीं ले सकता क्योंकि इस के आगे माइनस भी आया हुआ है, और पूरे की लिमिट मैं इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि इसकी लिमिट जीरो आ जाएगी, क्योंकि मैंने बोला है कि क्वेश्चन के एक पार्ट की लिमिट मैं ले सकता हूं प्रोवाइडेड वाला पार्ट बाकी पूरे क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में हो और उस पार्ट की लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट भी हो। ये दोनों ही बातें सेटिस्फाइड होंगी तो ही मैं क्वेश्चन के एक पार्ट की लिमिट ले सकूंगा। तो इसकी लिमिट वन लेके बाहर कर देता हूं और इसको मैं वन प्लस टी इंटू वन माइनस टी लिखता हूं, और अकेले इस पार्ट की लिमिट भी मैं ले सकूंगा क्योंकि इसकी लिमिट टू होगी, लेकिन इसकी लिमिट मैं नहीं ले सकता क्योंकि इसकी लिमिट जीरो होगी। तो इसकी लिमिट वन इसकी लिमिट टू मैं बाहर कर देता हूं तो आई विल गेट वन बाय टू लिमिट टी टेंड्स टू वन अंडर रूट टू टी स्क्वेयर प्लस थ्री टी प्लस फोर माइनस अंडर रूट टी स्क्वेयर प्लस सिक्स टी प्लस टू होल अपॉन वन माइनस टी। और ऑब्वियसली इसके बाद तो आपको पता होगा कि हम रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करेंगे तो आई विल गेट वन बाय टू लिमिट टी टेंड्स टू वन टू टी स्क्वेयर प्लस थ्री टी प्लस फोर माइनस अपॉन में वन माइनस टी इंटू अंडर रूट टू टी स्क्वेयर प्लस थ्री टी प्लस फोर प्लस अंडर रूट टी स्क्वेयर प्लस सिक्स टी प्लस टू। अगेन अगले स्टेप में मैं इस पार्ट की लिमिट में ले सकता हूं क्योंकि ये वाला पार्ट बाकी पूरे क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में है और इसकी लिमिट अंडर रूट नाइन प्लस अंडर रूट नाइन दैट इज थ्री प्लस थ्री दैट इज सिक्स है, सिक्स को मैं बाहर कर देता हूं तो आई विल गेट वन बाय ट्वेल्व लिमिट टी टेंड्स टू वन, न्यूमरेटर आ जाएगा टी स्क्वेयर माइनस थ्री टी प्लस टू अपॉन में वन माइनस टी, एंड दिस इज इक्वल टू वन बाय ट्वेल्व लिमिट टी टेंड्स टू वन टी माइनस वन इंटू टी माइनस टू होल अपॉन में टी माइनस वन, और ये माइनस बाहर, ये टी माइनस वन कैंसिल हो जाएगा और इसकी लिमिट माइनस वन आ जाएगी। आई विल गेट द आंसर एज वन बाय ट्वेल्व, हेंस द आंसर विल बिकम चॉइस ए।